कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल परिसर में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित किया जा रहा जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र दिव्यांगों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। ये केंद्र दिव्यांगजनों का एक मजबूत सहारा बनकर उभरा है। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और स्वास्थ्य विभाग के सामूहिक प्रयासों से इस केंद्र में एक ही छत के नीचे फिजियोथेरेपी के अलावा कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। अभी तक लगभग 2,564 विकलांग बुजुर्ग व अन्य लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा चुके हैं। करीब 2,000 विकलांगों को इस केंद्र के माध्यम से आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। उपायुक्त एवं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष यूनुस ने बताया कि जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र में 1,155 लोगों की फिजियोथेरेपी, 36 दिव्यांगों की स्पीच थेरेपी और 157 की ऑडियोमेट्री की गई, 114 दिव्यांगों को व्हीलचेयर, क्रचेस और स्टिक्स इत्यादि उपलब्ध करवाई गई। पुनर्वास केंद्र में कृत्रिम अंगों की वर्कशॉप भी स्थापित की गई। सुंदरनगर के बाद यह हिमाचल प्रदेश की दूसरी वर्कशॉप है और इसमें दिव्यांगों को मौके पर ही कृत्रिम अंग लगाए जाते हैं। वहीं उपायुक्त ने जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र की प्रबंधन समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करके केंद्र में सुविधाओं के विस्तार को लेकर चर्चा भी की। जिला में दिव्यांगों की पहचान के लिए आंगनवाड़ी और सर्व शिक्षा अभियान के कर्मचारियों की मदद ली जाएगी और किसी भी तरह की विकलांगता से ग्रस्त बच्चों का उत्थान सुनिश्चित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।